Good morning, students. Welcome to the physics class again. Today's topic is total internal reflection. Last video may I taught you about the refraction, refraction of light. So, taking the same process, I am telling you about the total internal reflection. Now, this these are the two mediums. A is the air. रेरर मीडियम एंड बी इज एनी अदर मीडियम विच इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस ए एंड ओ ऑब्जेक्ट डैट इज इन डेंसर मीडियम अब ओ से एक रे ओ ए चल रही है विच इंसिडेंट्स नॉर्मली ऑन दिस इंटरफेस एक्स वाई एंड इट गोज अलोंग द सेम पाथ एक रे ओ से अगर ए वन पर स्ट्राइक कर रही है तो ए वन पर ये है नॉर्मल Rarer, normal, तो दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस नेचुरल है द रे इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर द इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ग्रेटर होगा किससे एंगल आई से एक रे और ए टू पर इंसिडेंट हो रही है इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा ग्रेटर हो गया है तो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ग्रेटर होना चाहिए बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एंगल आर नाइन्टी डिग्री हो जाए तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेर मीडियम इज 90 डिग्री एंड दैट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल दैट इज क्रिटिकल एंगल तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेर मीडियम इज 90 डिग्री नाउ एन अदर रे विच स्ट्राइक्स एट द ए थ्री इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो गया अब जो रे है डेट विल नॉट गो इन द अनदर मीडियम इट विल टोटली रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम एंड दिस फिना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हुई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि रे जो है इट शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयरर सेकेंड थिंग एंगल ऑफ इंसीडेंस एट द इंटरफेस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर छोटा होगा तो नेचुरल रे जो है वो रेरर मीडियम में चली जाएगी बट अगर एंगल ऑफ इंसीडेंस ग्रेटर हुआ क्रिटिकल एंगल से तो एंग रे जो है डेट विल बी टोटली रिफ्लेक्ट इन द सेम मीडियम नाउ कम टू द रिलेशन हाउ विच कैन वी कैन डराइ बिटवीन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल दो मीडियम थे ए एंड बी तो एम यू बी ए में क्या था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बी में क्या था एंगल ऑफ इंसिडेंस रे जो जा रही थी वो बी से ए में जा रही थी तो एम यू बी इक्वल टू किसके होगा साइन आर अपॉन साइन आई एज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ तो ए टू पॉइंट पर क्या था एंगल आई जो था वो डेट वॉज द क्रिटिकल एंगल और एंगल आर जो है डेट इज नाइन्टी डिग्री तो एमयू बी किसके हो गया साइन नाइन्टी अपॉन साइन सी एंड इन दिस वे साइन सी किसके किसकेक्वल हो वन अपॉन एम यू बी अगर ए एयर है और बी ग्लास है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वे अगर रे जो है ग्लास से कहा जा रही है एयर में तो वी कैन राइट साइन सी इक्वल टू वन अपॉन एम यू जी तो दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास सिमिलरली क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर डेट इज साइन सी अपॉन वन अपॉन एम यू डब्ल्यू तो जितना म्यू ग्रेटर होगा किसी भी मीडियम के लिए मीन्स मीडियम जितना डेंसर होगा क्रिटिकल एंगल उतना स्मॉलर होगा फॉर एग्जाम्पल डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 तो होता है तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल एंड डेट इज जस्ट 24.4 डिग्री नाउ देर आर देर आर सर्टेन एप्लीकेशंस ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक आपका प्रिज्म है दैट इज आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म आइसोसेलेस है तो बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल दे आर अ राइट एंगल्ड प्रिज्म है तो ये दोनों एंगल 45 45 डिग्री तो के होंगे तो बाय द यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी कैन टेल यू कि हाउ द रे डेविएट्स एट द 90 डिग्री एंगल बाय दिस प्रिज्म इस प्रिज्म के मटेरियल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो क्रिटिकल एंगल कितना हुआ 42 डिग्री हुआ एंड सपोज एक रे यहां से आ रही है ये रे इसके ऊपर इस सरफेस पर टोटली नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है एंड नेचुरल है इट विल गो स्ट्रेट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ऐसे चली जाएगी ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट पर नाउ द हैज टू गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर नाउ एट दिस पॉइंट दिस इज द नॉर्मल नॉर्मल है तो हम इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हैं तो एज द जोमेट्रिक रूल दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है किससे क्रिटिकल एंगल से तो नेचुरली द रे विल बी टोटली रिफ्लेक्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट यहां से आई और यहां पर फिर मीडियम uh, चेंज हो रहा है बट द रे इज इंसिडेंट्स नॉर्मली एंड द इट विल गो अलोंग स्ट्रेट वे एंड सिमिलरली इफ ए बी इज द ऑब्जेक्ट तो बाय दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिस ए डैश बी डैश विल बी द इमेज ऑफ द ए बी नेक्स्ट वी कम की हाउ दिस ग्लास प्रिज्म इज यूज टू डेविएट द रे थ्रू नाइन वन एटी डिग्री अब हमने प्रिज्म को ऐसे रखा है और रे को इंसिडेंट कराया है इसके हाइपोटेनिस वाले सर्फेस पर तो बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स वी सी यहाँ पर आई रे यहाँ पर फिर मीडियम चेंज हो रहा है मीडियम चेंज हो रहा है बट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री अब यहाँ 45 डिग्री अगेन इट इज़ ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी अब ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर दोबारा मीडियम चेंज हो रहा है बट यहाँ पर यह नॉर्मल इंसीडेंट नहीं हो रही है बल्कि ये फोर्टी डिग्री पर इंसीडेंट हो रही है अगेन इट विल बी टोटली रिफ्लेक्ट एंड इट विल गो इन दिस वे दैन द रे हैज़ बीन डेविएटेड थ्रू वन डिग्री Similarly, if AB is the object, so A dash B dash will be its image. And this is the total internal reflection.